अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम इसी सीरीज बोर्ड को मॉडिफाई के लिए लेके आए। तो आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो अभी आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा है। तो ये हमारा पुरानी वीडियो जिसमें हमने ये सीरीज बोर्ड बनाना सीखा था। सीरीज बोर्ड से मतलब कि अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है एक। तो अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में जो नज़र आ रहा था लिंक, उसको आप जाके देख सकते हैं। और आज हम इसको मॉडिफाई करेंगे कि ये इस सीरीज बोर्ड को थोड़ा और मज़ेदार किस तरह बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बोर्ड को ओपन कर लूँगा, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कनेक्शन। मैंने सीरीज बोर्ड ओपन कर लिया है। ये हमारे पास पिछला कनेक्शन है जो हमने किया था। अभी हम सब कनेक्शन को खोल लेते हैं और फिर एक नया कनेक्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किसमें क्या मॉडिफाई कर रहे हैं। ये ऐप हमने सीरीज बोर्ड के तमाम वायर्स को खोल लिया है। अब हम इसमें न्यू कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको एक वायर लेना है और उसको इस सॉकेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और इसी वायर का दूसरा पॉइंट जो होगा वो आपके पास होल्डर के एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा। ये हमने कनेक्ट कर लिया। और अब हम एक और रेड कलर की वायर लेंगे। अब रेड वायर जो मैं काम कर रहा हूँ वो स्विच से कनेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ, और ब्लैक वाला काम जो कर रहा हूँ वो डायरेक्ट सीरीज बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ। अब एक रेड वायर लेंगे। रेड वायर को हम कनेक्ट करेंगे स्विच के एक टर्मिनल से। इसका दूसरा टर्मिनल है वो हमारे पास होल्डर के उसी टर्मिनल में जाएगा जिसमें हमने ब्लैक लगाया है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब मैं एक और रेड कलर का वायर लूँगा। एक और मैं रेड कलर के वायर लिए। इसे क्या करना है, इसको स्विच के दूसरे वाले जो पॉइंट हमारे बचा था उसमें कनेक्ट करेंगे। ऊपर वाले में दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करने के बाद अब इसका दूसरा एंड जो है हमारे पास उसे हम करेंगे सॉकेट के उस एंड पे लगाएंगे। जो एंड आपके पास खाली नज़र आ रहा है उस वाले पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। वायरिंग हो चुकी है हमारे पास कंप्लीट। अब हम लेंगे इनपुट वायर। इनपुट वायर को सबसे पहले तो बोर्ड से निकालेंगे। उसके बाद इस इनपुट वायर के अंदर हमारे पास दो वायर्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रल वाला एक होता है फेस वाला। न्यूट्रल वाले वायर को हम सॉकेट के उस वाले वायर से कनेक्ट करेंगे, उस वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने कनेक्शन स्विच से लगाया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास फेस वाला वायर। फेस वाले वायर को हम कनेक्ट करेंगे होल्डर के दूसरे वाले टर्मिनल से जहाँ पे हमने कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया, जो हमें पास खाली नज़र आ रहा है। इससे हम फेस वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। पूरी वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट कर ली। अब इसे करते हैं क्लोज और करते हैं टेस्ट। चलो अब बारी है प्लग लगाने की। तो प्लग लगाने का तरीका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको प्लग लेना है, जिस जगह पर प्लग लगाना है उसके प्लग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तीन चार चीज़ें। सबसे पहले जो रबड़ होगा वो आपको जिस वायर पे लगाना है उसमें सबसे पहले आपको रबड़ लगाना है, वरना फिर अगर आपने रबड़ लगाना भूल गए तो आपको दोबारा से लगा के दोबारा से प्लग को खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये तो दो पॉइंट्स हैं, इसमें आप दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे और इस स्क्रू को टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमें पास सबसे पहले इसे यहाँ पर इसे सेट करना है और इस रबड़ को सेट करके इसे वापसी क्लोज कर देना है। इसे वापसी क्लोज करने के बाद जैसे हमने नट खोला था इसे वापसी स्क्रू टाइट कर देंगे। इसका ये हमारे पास प्लग हो गया है कंप्लीट। अब वापसी एक सीरीज बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास सीरीज बोर्ड कंप्लीट है, इसका प्लग भी लगा दिया। अब बारी है इसको टेस्ट करने की। सबसे पहले आपको एक लाइट लगा लेना है 100 वॉट का। 100 वॉट की लाइट लगाने के बाद इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हमारे पास सीरीज बोर्ड का एक वायर होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको 1 मीटर का एक वायर ले लेना है जिसमें आपको एक तरफ स्विच लगाना है, दूसरी तरफ एक कोई सा भी टर्मिनल लगा लेना है ताकि आपको चेक करने में, टच करने में, पकड़ने में किसी भी जगह को आसानी रहती है। अब इसको हम चलाते हैं टेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने इस स्विच से हमने ऑन ऑफ का सिस्टम रखा था। इस वाले बोर्ड में ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं है, इस बोर्ड में हमने डायरेक्ट रखा है। अब हम जब इसको टच करेंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये हमारा सीरीज बोर्ड है। और अगर इत्तेफाक से आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लाइट की ज़रूरत है और आपके पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिसमें आपके पास लाइट का कनेक्शन हो, तो आप जब इसको बटन ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा एक स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड आपके पास एक्सटेंशन यानी कि लाइट वाला एक्सटेंशन बन जाएगा और इसे आप बंद करेंगे तो आपके पास एक स्विच बोर्ड कहलाएगा ये। तो ये आपके पास मल्टी टास्किंग के लिए आपके लिए काम आएगा कि आप इस बटन को ऑन करें, आपको करीब भी कोई काम करना है तो आप इस लाइट को
वर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसे बंद करें और आप एक सीरीज बोर्ड की तरह काम ले सकते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अगली वीडियो में इसी सीरीज बोर्ड को एक नए तरीके से मॉडिफाई करके लेके आएंगे। तो इसलिए आपको हम कहते हैं कि हमारे चैनल पावर एक्सप्लोशन को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाते-जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।